गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे थे जर्मनी एकीकरण की। हम लोगों ने जर्मनी के एकीकरण की जो बाधाएं थी उनके बारे में पढ़ा कि जर्मनी के एकीकरण की जो सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, और जर्मनी का जो एकीकरण की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती थी प्रशा का, जब प्रधानमंत्री बिस्मार्क बनकर आया वहीं से जर्मनी के एकीकरण शुरू हो गया, ठीक है। और जो बिस्मार्क था वो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था, उसका ये मानना था। और वो ये भी बात जानता था कि ऑस्ट्रिया एक पावरफुल देश है और उसके बहुत सारे यूरोप में मित्र हैं, अतः उसको ये लगा था कि जर्मनी का अगर एकीकरण करना है तो प्रशा को सैनिक दृष्टि से मजबूत बनाना होगा और ऑस्ट्रिया को यूरोप में क्या करना होगा, मित्र विहीन करना होगा, ठीक है। अब बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करने के लिए, यूरोप में अपने मित्र बनाने के लिए और प्रशा को सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने के लिए जो कार्य किए उन कार्यों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो, उसने सबसे पहले ऑस्ट्रिया को मित्र विहीन करने के लिए और अपने मित्र बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले उसने क्या किया, बिस्मार्क ने रूस के साथ मित्रता की। देखो, रूस के साथ जो उन्होंने मित्रता की थी इस समय क्या है, रूस वैर टर्की, तुर्की भी कहते हैं तुर्की, रूस वैर तुर्की, इन दोनों के बीच में क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, ठीक है। और जो प्रशा की जनता थी वो चाहती थी कि जो प्रशा है वो इस क्रीमिया के युद्ध में किसका साथ दे, तुर्की का साथ दे, ठीक है। लेकिन बिस्मार्क को ये पता था कि अगर तुर्की का साथ देंगे तो रूस क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, है ना। और रूस ऑस्ट्रिया दोनों एक हो गए तो जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा, ठीक है। अतः इसने बिस्मार्क ने क्या किया, इस युद्ध में तटस्थता की नीति अपनाई, मतलब ना तो तुर्की का साथ दिया ना रूस का साथ दिया, तटस्थता की नीति अपनाई। रूस को यह भय था कि क्रीमिया के युद्ध में प्रशा तुर्की का साथ देगा, लेकिन बिस्मार्क ने जब तटस्थता की नीति अपनाई तो रूस को ये लगने लगा कि हाँ, ये इस युद्ध में तुर्की का साथ नहीं दे रहा, ये मेरा मित्र बन रहा है। अतः इस युद्ध के बाद रूस और प्रशा में क्या हो गई, मित्रता हो गई, ठीक है। अब 1863 में क्या हो गया, रूस और पोलैंड इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ और बिस्मार्क ने क्या किया, रूस का साथ दिया। अतः अब रूस और प्रशा दोनों के बीच में मित्रता और सहयोग की जो नीति थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो रूस क्या हो गया, अब प्रशा का या बिस्मार्क का मित्र हो गया और रूस ने जर्मनी के एकीकरण में हर सहायता देने का वचन भी दिया। दूसरा कार्य क्या किया, फ्रांस के साथ मित्रता। देखो, बिस्मार्क ने फ्रांस को क्या कहा कि अगर ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध होता है, ठीक है, अगर फ्रांस प्रशा का साथ देता है तो ठीक है, अगर फ्रांस प्रशा का साथ देगा तो जो राइन संघ का जो प्रदेश है वो फ्रांस को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फ्रांस क्या हो गया, राजी हो गया कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ठीक है, और बदले में मुझे राइन संघ का प्रदेश दे देना। फ्रांस और प्रशा में क्या हो गई, मित्रता हो गई, ठीक है। अब अगला कदम इसने किसके साथ मित्रता के लिए बढ़ाया, इटली के साथ, ठीक है। बिस्मार्क इटली के प्रधानमंत्री कैबूर से मिला, उसने कैबूर को ये विश्वास दिलाया कि अगर तुम ऑस्ट्रिया के खिलाफ हमारी मदद करोगे तो अगर हम विजयी हो जाते हैं तो हम विनेशिया और लोमबार्डी का प्रदेश आपको दे देंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गई, मित्रता हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, विभिन्न देशों के साथ मित्रता करने के पश्चात अब बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की ओर कदम बढ़ाया, दोस्ती कर ली, सहयोग मिल गया, सहयोगी मिल गए, हाँ, और ऑस्ट्रिया की शक्ति भी कुछ कम हो गई, क्यों, क्योंकि अब ये किसके सहयोगी हो गए थे, ये सारे जर्मनी के सहयोगी हो गए थे। अब देखो, जर्मनी के एकीकरण की ओर जो कदम बढ़ाया उसने, जर्मनी का एकीकरण उसने 3 चरणों में पूरा किया, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 3 चरण
उसने बनाए। अब हम बात करते हैं या तीन युद्ध लड़े, तीन युद्ध लड़े गए तो तीन चरण भी कह सकते हैं या तीन युद्ध लड़ने पड़े। अब देखो कौन कौन से युद्ध थे या कौन कौन से चरणों में इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम चरण में डेनमार्क से युद्ध हुआ, इसे डेनमार्क का युद्ध भी कहा जाता है। 1864 को ये युद्ध हुआ था। देखो ये जो युद्ध था प्रथम चरण के अंतर्गत, ये दो डचियां थी, श्वेशलिंग और होल्स्टीन नामक दो डचियां थी, इन दो डचियों को लेकर ये युद्ध हुआ था। देखो ये जो दो डचियां थी श्वेशलिंग और होल्स्टीन, इसमें जो होल्स्टीन थी उसकी तो अधिकांश जनता क्या थी, जर्मन जाति की थी, और श्वेशलिंग की आधी जनता जर्मन थी और आधी डेन थी। श्वेशलिंग और होल्स्टीन ये दो डचियों की समस्या थी। देखो लंदन में एक लंदन संधि हुई थी, ये दो डचियों पर डेनमार्क का अधिकार था, अधिकार नहीं मतलब लंदन में एक संधि हुई थी जिसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि डेनमार्क इन दो डचियों के प्रशासन की व्यवस्था देखेगा, ना कि इन दो डचियों पर अपना अधिकार कर लेगा। प्रशासन का उत्तरदायित्व डेनमार्क को सौंपा गया था, श्वेशलिंग और होल्स्टीन इन दो डचियों के प्रशासन का जो उत्तरदायित्व था वो डेनमार्क पर था लंदन की संधि के अनुसार, ठीक है। लेकिन डेनमार्क ने क्या किया, लंदन की संधि का विरोध किया और श्वेशलिंग और होल्स्टीन इन दोनों डचियों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया, ठीक है। और जब प्रयास किया, जब प्रयास किया तो बिस्मार्क बहुत कूटनीतिज्ञ था, बहुत चालाक था, वो गया ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक के पास और उससे उसने कहा कि ये दो डचियां हैं, अब तुम अध्यक्ष हो जर्मनी के और मैं उपाध्यक्ष हूँ, और ये समस्या जब जर्मनी की है ये दो डचियां तो जर्मनी में मिलनी चाहिए ना, ठीक है। तो जबकि डेनमार्क जैसे अपने और मिला रहा है, अब क्या किया ऑस्ट्रिया और बिस्मार्क दोनों एक हो गए। बिस्मार्क बहुत ज्यादा कूटनीतिज्ञ था, उसने फटाफट ऑस्ट्रिया से दोस्ती कर ली और ऑस्ट्रिया और प्रशा दोनों ने मिलकर क्या किया, इन दोनों डचियों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। और ये जो आक्रमण किया, इस आक्रमण में डेनमार्क क्या हो गया, पराजित हो गया, ठीक है। पराजित हुआ तो दोनों के बीच में क्या, पराजित होने के बाद दोनों ये जो दो गुट थे, एक तरफ तो ऑस्ट्रिया प्रशा थे और दूसरी ओर डेनमार्क था, दोनों के मध्य एक संधि हो गई 30 अक्टूबर 1864। को दोनों के बीच में एक संधि हो गई श्वेशलिंग और होल्स्टीन के प्रदेशों को लेकर। देखो संधि की क्या क्या शर्तें थी, दोनों के बीच में जो संधि हुई उसकी क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान था कि श्वेशलिंग और होल्स्टीन ये दोनों प्रदेश डेनमार्क ने ऑस्ट्रिया और प्रशा को सौंप दिए, ऑस्ट्रिया और प्रशा का प्रभुत्व इन पर स्वीकार कर लिया, ठीक है। और इन दोनों प्रदेशों के अलावा डेनमार्क ने लायमबर्ग का जो प्रदेश था, अपना लायमबर्ग का प्रदेश भी ऑस्ट्रिया और प्रशा को दे दिया, ठीक है, युद्ध हट जाने के रूप में। और डेनमार्क ने ये स्वीकार किया कि अब ऑस्ट्रिया और प्रशा, श्वेशलिंग और होल्स्टीन इन दोनों डचियों के संबंध में जो भी बात कहेंगे, जो भी निर्णय देंगे वो निर्णय मुझे स्वीकार होंगे, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गई, दोनों के बीच में समझौता हो गया। श्वेशलिंग होल्स्टीन दोनों प्रदेशों पर या दोनों डचियों पर किसका अधिकार हो गया, ऑस्ट्रिया और प्रशा का। डेनमार्क ने लायमबर्ग का प्रदेश भी दे दिया और ये कहा कि भविष्य में जो भी निर्णय देंगे ऑस्ट्रिया और प्रशा इन दोनों डचियों को लेके वो निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने डेनमार्क से तो ये दोनों डचियां ले ली या ये लायमबर्ग का प्रदेश ले लिया, अब ऑस्ट्रिया और प्रशा इसका जो बंटवारा करेंगे आपस में उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।